more than 80% girls ko meetha khane ki craving hoti hai. Hi everyone and welcome back to my channel. So आज का वीडियो किस बारे में है वो आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा, बट मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ. हर मंथ जब हम लोग गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, सबको होते हैं, तो क्या होता है ना, हमें कुछ ना कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसे खाने की क्रेविंग हो रही होती है. सबको होती है, और सबको ही होती है. मैंने सबके साथ ये देखा है, मेरे साथ में भी होती है, और मोस्टली मोर देन 80% गर्ल्स को मीठे खाने की क्रेविंग होती है. तो वो डार्क चॉकलेट खाने लगती है, और फिर उनको जब भी ये क्रेविंग होती है वो डार्क चॉकलेट खाती है और बोलती है मुझे डार्क चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है. तो जैसे मैंने बोला कि मोर देन 80% गर्ल्स को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको नींबू खाने की क्रेविंग होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पर्टिकुलर कोई और एक पर्टिकुलर चीज़ है वही खाने की क्रेविंग होती है. तो ऐसा क्यों होता है, ये क्रेविंग क्यों होती है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें ये क्रेविंग क्यों होती है, और इस वीडियो को बनाने के पीछे की छोटी सी स्टोरी है मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी. कल इवनिंग में मैं मेरे इंस्टाग्राम में ऑनलाइन गई, तो मैंने देखा मुझे कोई मैसेज आया हुआ है. नॉर्मली काफ़ी सारे थे, बट उनमें से एक मैसेज था, वो आप में से किसी एक का था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, हो सकता है वो अनकंफर्टेबल फील करे. तो मैंने देखा मैसेज है, जस्ट हाय हेलो था, तो मैंने रिप्लाई किया, तो देखा वो ऑनलाइन थी, शी वॉज एक्टिव, तो हमारी ऐसे बात होना स्टार्ट हुई. तो एक दो मैसेज के बाद शी वॉज लाइक बहुत लो फील हो रहा है, मुझे ऑरेंज खाने को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे बहुत ऑरेंज खाने को मन कर रहा है. आई वॉज लाइक वाई? तो तब उसने बताया कि जब भी मेरा पीरियड होता है मुझे हमेशा ऑरेंज खाने को बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता है, मन करता है ऑरेंज खाऊं या ऑरेंज जूस पीऊं. उसने ये बोला कि पता नहीं क्यों, बट ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज खाने को मेरा मन करने लगता है. तो उसने मुझे बोला कि पता नहीं क्यों मुझे ये बार बार ऐसे मन करता है. तब मैंने देखा कि काफ़ी लोग ये बोलते कि उन्हें नींबू पानी पीने की क्रेविंग होती है. ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बिकॉज नींबू पानी क्रेविंग ज़्यादा करके लोगों को नहीं होती, बहुत किसी को होती है. हाँ, ऑरेंज की जो क्रेविंग है ना, मैंने बहुत लोगों में देखी, बहुतों को होती है, बट क्यों होती है ये क्रेविंग, मैंने छोटी सी स्टोरी से सुना दी. तो ये क्रेविंग क्यों होती है, बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जिस चीज़ की कमी रहती है हमें ड्यूरिंग पीरियड्स, उसी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है. आज के टाइम पे नॉर्मली हम हर कोई फिट रहने में बिलीव करता है, हर कोई बहुत डाइट कॉन्शियस है, तो मोस्टली गर्ल्स मीठे से दूर भागती है बिकॉज उसमें काफ़ी कैलोरीज होती है. इसीलिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, बिकॉज हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है. तो सिमिलरली जिसकी भी बॉडी में विटामिन सी, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट जिसकी भी बॉडी में विटामिन सी कम रहता है ड्यूरिंग पीरियड्स, आपको लेमन या ऑरेंज खाने की क्रेविंग होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है. सिट्रस फ्रूट खाने की क्रेविंग सिर्फ इसीलिए होती है. एंड आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो इसीलिए क्योंकि आपके बॉडी में उस चीज़ की कमी है. एंड बहुत सारे ऐसे फैमिली है, मैंने देखा है, जो कहते हैं कि अगर तुम्हें जो भी चीज़ खाने की क्रेविंग हो रही ना, तुम उसी चीज़ से दूर रहो, वो मत खाओ. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और जो भी मैंने आपके साथ अभी बात शेयर की, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ना मेरे फैमिली में ऐसा बोलते हैं, ये एक्चुअली साइंस कहता है कि आपको बॉडी में जिस चीज़ की कमी है आपको उसी की क्रेविंग हो रही है, और खाना भी चाहिए जैसे उसकी कमी पूरी हो जाए. तो मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है, एंड शी इज़ अ डॉक्टर, तो उनसे ही मुझे ये बात पता चली थी. तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये साइंस कहता है और ये सही चीज़ है. तो आपको भी जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है आप उसे ज़रूर ज़रूर खाएं, और ट्राई करें कि जो पूरा मंथ अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो आप पूरे मंथ थोड़ा थोड़ा मीठा ज़रूर खाएं. उससे आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है ना वो नीचे नहीं जाएगा. और अगर ऑरेंज या लेमन की क्रेविंग होती है तो आप विटामिन सी को पूरे मंथ थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर लें. विटामिन सी से आप मोटापा नहीं आता है. तो जिस भी चीज़ की क्रेविंग होती है, मेरा बोलने का मतलब है कि तो उसको इंटेक ज़रूर करें, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है. सो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे सबके साथ शेयर करने को बहुत मन था, क्योंकि मुझे भी अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं लोगों के साथ में भी उससे शेयर करूं. अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.